बैतूल में स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल, क्षमता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए फ्लिप बुक पुस्तिका शुरू की गई है। इस पुस्तिका में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई है। पुस्तिका का उपयोग करने से स्वास्थ्य अधिकारी अपने कार्यों की बेहतर योजना बना सकेंगे। फ्लिप बुक में 30 परिभाषित विषय हैं, जिनमें से 20 विषय व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए समर्पित है। इनमें से 13 विषय विशेष रूप से मातृ और शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित हैं। ये फ्लिप बुक एक शिक्षण और सीखने के उपकरण के रूप में तैयार की गई है, जो CHO को अपने ज्ञान और कौशल के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ANM के ज्ञान और क्षमता को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। बैतूल कलेक्टर ने इस पुस्तिका का अनावरण करते हुए कहा कि ये बुक फील्ड में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए निर्मित मील का पत्थर साबित होगी। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में CHO की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसी बात को लेके जो मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में अंतरा फाउंडेशन का समन्वय रहता है, अंतरा फाउंडेशन ने अपने अनुभव के आधार पर एक फ्लिप बुक का प्रकाशन कराया है, जिसका विमोचन था। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और इसके अलावा शासन के निर्देश, मेडिकल विभाग के निर्देश, जो हेल्थ सेंटर है उनके मैनेजमेंट की बात, इस तरह से काफी अच्छे कंपोनेंट इसमें दिए हैं। उसी का विमोचन आज इंदिरा फाउंडेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के समन्वय से किया गया है। ये पुस्तिका मेरे ख्याल से जो CHOs हैं उनको उनके काम करने में सहायक होगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदस्थ रहते हैं, जिनको 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवा देनी रहती है, तो इसके लिए इसमें गाइडलाइन है कि इनको अपने काम को क्या क्या करना है, उनके कर्तव्य जिम्मेदारी क्या है, उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम किस प्रकार करें, इसका मार्गदर्शन है। इसकी ट्रेनिंग भी होगी उनकी, जिससे निश्चित ही इसमें क्या है, उसका उद्देश्य है कि जो मातृ स्वास्थ्य सुविधा है, शिशु सुविधा, इसको इम्प्रूव करना है। गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है, इससे जो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। ये जो कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारी के लिए फ्लिप बुक का विमोचन हुआ है, उसमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर उप स्वास्थ्य केंद्र और PSC पर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, उसमें 12 प्रकार की जो सेवाएं चल रही है, उसी सेवा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और फ्लिप बुक में जैसे कि NCD में मतलब शुगर और BP की और मतलब सारी जो बीमारियां हैं, बीमारियों की रोकथाम के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद में डायरिया है और मलेरिया है, उसके बाद में है अपने प्रसव पूर्व जांच, HBNC विजिट, गृह भेंट विजिट, उसके बाद में HBYC विजिट और नियोनेटल केयर, मातृ मृत्यु सुरक्षा और इस प्रकार टीकाकरण सेवाएँ, वृद्धि निगरानी और कमजोर शिशु कि हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमको निर्देश दिए गए हैं, ताकि हम अच्छी सेवाएं दे सकें।